गुड मॉर्निंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं करेला। चलो चलते हैं करेले के पास। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया करेला? करेले की बेल ढूंढते हैं सबसे पहले। चलो फिर। अरे गया कहाँ है? अच्छा उधर है। चलो फिर वहीं चलते हैं। लेट्स गो। अरे अभी भी नहीं मिला करेला का पेड़। गया कहाँ? अच्छा ये है करेला का पेड़। ये देखिए करेले में फ्लावर्स भी आ गए हैं येलो। जी हाँ, और ये करेले भी लग गए हैं। जी हाँ, ये है करेले। इसको मैंने पिछले महीने ही बोया था, करेले की बेल को। ये एक्चुअली मैंने उगाया नहीं था खुद। इसको सीड जर्मिनेशन मैंने अपने घर में नहीं किया, जर्मिनेट नहीं किया था घर पे। करेले की पौध में लाया था नर्सरी से। यस, हम देहरादून में है और बालावाला में जो नर्सरी है वहां से मैं करेले की छोटी सी बेल लाया था, उसके साथ कद्दू की बेल भी लाया था और एक और बेल लाया था। तो ये करेला है, उसमें करेले लग चुके हैं। जी तो आई थिंक करेले में काफी फ्लावर्स हो जाते हैं, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती हैंड पॉलिनेशन की। जैसे कद्दू और लौकी में हमारी हैंड पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन करेले में हैंड पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख रहे होंगे इतने सारे करेले वैसे ही आ जाते हैं, तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता करेले में। लेकिन करेला इतना फायदेमंद होता है, आप सभी को पता है कि इतना कड़वा होता है कि खाया नहीं जाता, लेकिन इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो ऑलरेडी आपको पता ही होंगे। रोज तो हम करेला नहीं खा सकते, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो खा ही सकते हैं। जी हाँ, तो करेला बोना काफी आसान है। इसका कोई, इस बार तो मैंने ऐसे ही बोया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं इसके खुद सीड जाऊंगा और खुद ही घर में इनको इनका जर्मिनेशन करूंगा, जर्मिनेट करूंगा सीड्स को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पौधा है करेला। बहुत सिंपल तरीके से, ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, आसानी से उग जाता है। और थोड़ा बहुत इसके लिए मैं वो भी लाया था साइड में, जो टहनियां होती हैं, ताकि इसकी बेल आराम से जा सके ऊपर। आप देख भी रहोगे कितनी अच्छी तरह चले गया है। थोड़ी और जरूरत है इस बेल में कि और फैले, तो इसके लिए मैं कुछ और लाऊंगा टहनियां।